फाइनली फ्रेंड्स वो दिन आ गया है जो मेरे गुजरात का लास्ट स्पॉट है इस टूर का, मतलब केवड़िया। दोस्तों केवड़िया कन्याकुमारी ट्रिप में मैं भी जाना चाहता था पर वहाँ किसी कारण से नहीं जा पाया था। पर दोस्तों अब ये फाइनल स्टॉप है, आज मैं हूँ दीव में और यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा केवड़िया, लगभग 600 किलोमीटर दूर है। और आज मैं रुका था ये हेमल गार्डन होटल है, खूबसूरत होटल है हेमल गार्डन, ज़रूर आइए आप, रुकिए। अपना कमरा वो है जिसमें लाइट जल रही है। तो बैग पैक वगैरह मैंने कर लिए हैं और अब निकलते हैं क्योंकि लगभग 600 किलोमीटर का मुझे ड्राइव करना है। बैग वगैरह मेरे पैक हो चुके हैं और दोस्तों मैं बताऊं आपको, बहुत ही सही रेट पर मुझे ये होटल मिली है, अगर आप भी आना चाहते हैं तो ज़रूर आएं। देखिए दो दो बसें आ रही है रुकने के लिए, मतलब इतनी जगह है कि दो दो बस आराम से आ सकती है, बिल्कुल दो दो बसें आराम से रह सकती हैं यहाँ पे, दो बसों वाले लोग। वैसे खूबसूरत बीच यहाँ पर भी है, उसको मैं कल एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। अब इधर से निकल रहे हैं तो देखता हूँ, मैं चल के आते हैं, यहाँ सीढ़ियाँ जा रही है, मैं जाके आता हूँ। यहाँ से रास्ता जा रहा है, वहाँ से जा रहा है, यहाँ से रास्ता जा रहा है। मैंने गाड़ी इधर पार्क कर दी है, डिवाइडर मैंने क्रॉस कर लिया है, हालांकि वहाँ रास्ता था पर मुझे ध्यान नहीं था, मैं पहले ही रुक गया। और सामने सूरज भी उग चुका है, ओहो खूबसूरत नज़ारा। बहन जी इस जगह का क्या नाम है, इसका नाम क्या है, बीच का, इस बीच का नाम क्या है, इस बीच का नाम क्या है, ओगला, ओगला, धन्यवाद। तो दोस्तों ये है ओगला बीच, बहुत खूबसूरत बीच है ये तो, और बिल्कुल सिटी के बीच में है। चलिए नज़ारा देखिए आप, बहुत दूर तक फैला हुआ है और यहाँ पर खूबसूरत पेड़, और यहाँ पर थोड़े से शेडिंग कर रखी है ताकि छाँव में बैठ सकें, और नज़ारा तो अमेजिंग है। ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी है और खूबसूरत नज़ारा है, सूरज ज़्यादा उग गए हमारे। और सामने वो किला है वहाँ पर बिल्कुल एंड में। तो फ्रेंड्स अब निकलना तो पड़ेगा वरना केवड़िया पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएंगे अपन, बाकी हाँ खूबसूरत जगह है नो डाउट, बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने दमन देखा, दमन से ज़्यादा खूबसूरत है दीव, दीव ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों दमन से। हमने जो गेट है इसको ये लिखा है थैंक्स टू विजिट अगेन, बस अब गुजरात यहाँ से दीव पुलिस है और दीव पुलिस के सामने की तरफ गुजरात है, बस ये गुजरात स्टार्ट। और यहाँ पर गुजरात पुलिस है, बस ये बैठे हुए जो ताप रहे हैं सब गुजरात पुलिस वाले हैं। दोस्तों ड्राइव करते हुए मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और यहाँ बीच रोड पे ये लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ एक्सीडेंट जोन, और किसकी फोटो बनी हुई है, शेर की। दोस्तों ये जो जगह है ना, गिर के शेर हैं यहाँ पर, मतलब वो सड़कों पे आ जाते हैं नॉर्मली, मतलब यहाँ आ जाते हैं, पर मेरे लिए तो बड़ा बड़ी बात है, हो सकता है दिन में ना आए, क्या पता आ भी जाए। ड्राइव स्लो कैसे करेंगे फिर, अगर शेर आ जाएगा तो स्लो कैसे। तो अभी तो देखिए आप, पूरी सड़क तो सुनसान है, हालांकि इक्का दुक्के लोग दिख जाते हैं और आसपास भी कोई घर नहीं है ऐसे, तो इक्के दुक्के लोग गाड़ी दिख जाती है, पर हाँ ये मतलब जो गिर के शेर वाला एरिया है, हालांकि गिर नहीं है ये जगह पर शेर की तो कोई बाउंड्री नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकता है। लगभग 10 बज रही है, और लगभग 10 बज रही है, 7 बजे मैं निकला था, लगभग 3 घंटे हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था तो मैं रुका हूँ
रामदेव नाश्ता सेंटर, और ये महुआ है जगह, यहाँ से वो 70-80 किलोमीटर दूर हो रहा है भावनगर। दिक्कत क्या है दोस्तों, मैं रुकना तो पहले भी जा रहा था कि ये रोड नया बन रहा है, तो नया बन रहा है इस वजह से यहाँ पे हाईवे वगैरह, नया रोड बन रहा है उसकी वजह से नाश्ते की दुकानें या होटल वगैरह भी नहीं है। तो अभी बन रहा है तो बनने के बाद खुलेंगी होटलें वगैरह तो, या ओपन होगी तो बन रहा है अभी तो, इसलिए कोई किसी प्रकार की होटलें यहाँ पर है नहीं। तो एक नाश्ता सेंटर मिला है रामदेव, नाश्ता करते हैं। मैगी बनवाई है, मैं सोच रहा था पोहा खाने का, पर पोहे तो मिल, मैंने 2-3 जगह पूछा भी पोहा मिल बना नहीं, बन बना नहीं रहे, मैंने 2-3 जगह पूछा भी सही पोहा बना नहीं रहे। अब एक जगह मिली है जहाँ पर नाश्ता बनाते हैं मैगी का, वो बोल रहे हैं हमारा मैगी बहुत फेमस है, पूरा महुआ खाता है, तो मैंने कहा चलिए खा के देखते हैं महुआ। तो ये है रामदेव नाश्ता सेंटर महुआ, नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी है, पेटीज उधर रखी हुई है, बाकी अपनी मैगी बना रहे हैं भैया। 5-1 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट में हो जाएगी ना, 5 मिनट में हो जाएगी, चलिए थोड़ी देर बैठते हैं अपन इधर। वैसे ही है ना जगह, एसआर का पेट्रोल पंप है ये, लेकिन पेट्रोल पंप तो शायद बंद हो गया अब, तो भाई ने यहाँ पे मैगी शॉप खोल ली है, नाश्ता सेंटर खोल लिया, नाश्ता सेंटर। ये काम कर जाएगा ना अपना, ये पेटीएम वगैरह काम कर जाएगा ना। हाँ ठीक है। और दोस्तों मैं वैसे पूछना भूल गया इनसे कि यहाँ पेटीएम वगैरह काम करेगा कि उनकी नहीं, क्योंकि कैश ख़त्म हो गया है, अब जो भी करना है फ़ोन से ही करना है, जब तक कोई बड़ी सिटी नहीं आती और एटीएम नहीं आता है तो। पर यहाँ पर कोड मतलब यहाँ काम कर जाएगा अपना। मैगी आ रही है अपनी भी, और बच्चों ने भी बनवाई इधर मैगी, उनकी भी आ रही है। लाओ मेरी वाली मुझे दे दो, ये लो साहब। चलिए तो मैगी फ्रिश करते हैं और फिर करते हैं आगे का सफर पूरा। सब तरफ पतंगबाजी हो रही, रोड पे भी देखिए आप। उलझ गया धागा भाई का, तो धागा सुलझा तब तक मेरे को उड़ान दे थोड़ी सी यार। क्या तो ये ले ली अपन ने रस्सी, ओ भाई पेज लड़ गए तेरे, ले ले पेज लड़ गए। वो भाई की तो पतंग चली गई, धागा वो जा रहा, वो ऊपर वाली है नीली वाली। तुम्हारी कौन सी, लाल वाली? पे लड़ा 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 ले कैसे अलगे अलगे, बस कदम कदम। अलग हो गई भाई की, तो भाई की तो अलग हो गए भाई। और भी बहुत सारे सड़क के किनारे चल रहा है काम, और दरअसल हवा इस तरफ से है ना, तो सारी पतंगे सब रोड पे आ रही है, हवा उस तरफ से चल रही है, और सिटी के बाईपास से जो निकल रहा हूँ सब पतंगे, बहुत सारी पतंगे आ रही है, पर इतना ध्यान चलना पड़ रहा है क्योंकि मेरा तो वो लगाया नहीं है जो मैंने आपको, अगर शुरू में आपने देखा नहीं हो तो, वो एक स्टैंड सा आता है ऐसे करके, जिससे वो धागा अगर हो तो रुक जाता है। चलो तो आगे चलते हैं, पतंगबाजी तो चलती रहेगी।
गाड़ी चढ़ाते चलाते धागा उलझ गया और पतंग हाथ में आ गई, वो उड़ रही अपनी पीली पतंग है। और हाईवे देखिए आप, और एक और पतंग थी, दो पतंगे थी, एक ये देखिए एक धागा ये रहा, एक का ये पीला धागा है, एक का ये गुलाबी है, गुलाबी वाली तो मेरे हाथ में है। दिख रही है कैमरे में, दिख रही है क्या? बैक कैमरा से दिखा। अब किसको दूं मैं? ले बेटा ले, ये ले ले इधर से, ले ले इधर से, अरे इधर ले ले, अरे उड़ जाएगी, इधर आ जा। हाँ वहाँ खड़ा हो जा, रुक जा एक मिनट, नीचे आने दे, नीचे आने दे, रुक जा, ढीली होने दे। हाँ ये ले संभाल। चलो भाई, चलो दोस्तों, बालक ले गया है पतंग, अपने तो कोई काम की थी नहीं, बचपन में उड़ाई, अब तो बस अब शौक कुछ और लग चुका है हमको घूमने का, तो चलिए आगे घूमते। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ वासत के जो फ्लाई ओवर है और बाईपास है उसके ऊपर, और यहाँ मैंने एक भैया से एड्रेस पूछ रहा था बड़ौदा का, और धीरे धीरे बातचीत हुई तो इनसे मैंने पूछा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, तो भैया का नाम है रफीक, और रफीक नाम है इनका, और इन्होंने बताया कि वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। हालांकि मुझे पता नहीं था, मुझे शायद लगा कि वहाँ जाने की जा करके टिकट लेते होंगे, पर इन्होंने बताया कि ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन लेना होता है, और इन्होंने खुद ने ही मुझे ऑनलाइन करके दे दिया। और भैया बड़ौदा के रहने वाले हैं, और रफीक भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वरना रफीक भैया नहीं करते ना तो शायद मैं तो खुद कर ही नहीं पाता, और बिना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देख के आ पाता, बिना देखे आ जाता। पर अगर ऑनलाइन के बिना ऑफलाइन भी है तो मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगा, ठीक है? तो रफीक भाई अभी तो मैं निकलता हूँ, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना काम कर दिया, वरना मैं तो कर ही नहीं पाता ऑनलाइन, क्योंकि लंबा थोड़ा प्रोसेसर था, फाइनली हो गया है और कल का स्लॉट मिल गया मुझे, तो मैंने अपन निकलते हैं, ठीक है रफीक भाई? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन की सुबह है और मैं अभी इस समय बड़ौदा में हूँ। बड़ौदा का ये कपूरी चौकड़ी है, कपूरी चौकड़ी, चौकड़ी यहाँ पर चौराहे को कहते हैं, तो कपूरी चौकड़ी चौराहा है। शाम को लगभग उजाले में मैंने रूम ले लिया था, मैंने सोचा क्योंकि सैटरडे संडे था तो गुजराती लोग जो है घूमने फिरने के शौकीन है, तो केवड़िया में हो सकता था मुझे रूम मिलने में दिक्कत होती, तो लगभग 8 बज रही है इस समय और मैं निकलता हूँ लगभग 80 किलोमीटर 2 घंटे में मैं कवर कर लूँगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। बाकी दोस्तों अगर आपको आना हो तो बिल्कुल आप यहाँ रुक सकते हैं कृष्णा पार्क गेस्ट हाउस में, बिल्कुल सही लोकेशन पर है, हाईवे के बिल्कुल पास में है और यहीं से रास्ता जाता है केवड़िया का। दोस्तों रूम भी अच्छे थे, 700 रुपये मेरे से लिया ट्रिपल बेड का, और नॉन एसी, और एसी लोगे तो 1200 रुपये, तो इस तरह से है दोस्तों, और अच्छा रूम है। तो फाइनली फ्रेंड्स, बड़ौदा से लगभग 80 किलोमीटर का हाईवे का सफ़र तय करके मैं पहुंच गया हूं गुजरात की जो मेरी लास्ट डेस्टिनेशन है गुजरात टूर की, यानी केवड़िया पहुंच गया हूं दोस्तों। और ये एकता उत्सव जगह है, माफ़ कीजिएगा, एकता नगर नाम से जगह है ये, और यहीं पर पार्किंग बनी हुई है, और पार्क यहाँ तो गाड़ी में तो पार्क कर दी, और यहाँ से थोड़ा दूर है सरदार जो पटेल जी की जो स्टेचू है दुनिया की सबसे बड़ी, उसको विज़िट करने के लिए फिर यहाँ से बस लूँगा, क्योंकि यहाँ से बस लेके जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये पहले तो बैग वगैरह का देखता हूँ, कहीं लगेज वगैरह कहीं रखने की जगह हो तो, वरना बैग लेके घूमना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट पॉइंट है गुजरात जो टूर था उसका, और दोस्तों कुल मिलाकर के गुजरात का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, यहाँ की सड़कें भी अच्छी हैं, खाना भी अच्छा है, सस्ता भी है और अच्छा भी है, और लोग भी अच्छे हैं। तो कहीं भी आप, मैंने कई गाँव के ऐसी जगहों में फंसा, वहाँ पर भी लोगों ने आराम से मतलब सब चीज़ें बताई, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग तो इग्नोर कर देते हैं, हाँ हम अपना काम कर रहे हैं, पर यहाँ लोगों ने अच्छे से अगर कुछ पूछा ना तो अच्छे से बताया, चाहे वो कोई छोटी दुकान वाला ही हो, चाहे राह में चलता हुआ कोई आदमी हो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो सरदार सरोवर को मैं घूमने जा रहा हूँ, सरदार सरोवर के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को जो घूमने जा रहा हूँ, और बाकी जो मेरी वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे, उनका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं चलता हूँ अंदर, लगेज रखता हूँ और घूमते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।